समाजवादी पार्टी की घोषित प्रत्याशी ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं केपीपी न्यूज। मटेरा विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी घोषित पूर्व विधायक हाजी मोहम्मद रमजान ने मटेरा विधानसभा से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव न लड़ने के निर्णय से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को भी अवगत करा चुका हूँ। हाजी रमजान ने कहा कि सभी जानते हैं कि 2017 के चुनाव में पहले में मात्र 445 मतों से भाजपा प्रत्याशी से पीछे रह गया था। मैं 5 वर्षों से श्रावस्ती क्षेत्र वासियों के संपर्क में हूं और वहीं पर मेहनत कर रहा था, जहां समाज के हर वर्ग के लोगों का मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा था। आज हुई टिकट की घोषणा से क्षेत्र के लोग काफी मायूस हुए और उनकी भावनाओं को गहरा धक्का लगा है, क्योंकि वह सभी वर्षों से सपा के साथ जुड़कर जी जान से मेरे लिए मेहनत कर रहे थे। हाजी रमजान ने कहा कि मैं श्रावस्ती क्षेत्र की जनता को नहीं छोड़ सकता, इसीलिए निर्णय लिया है कि मैं मटेरा विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत ही आभारी हूँ, लेकिन चूंकि मैं मटेरा में 15 दिन 20 दिन भी प्रचार नहीं किया हूँ और मात्र 15 दिन रह गया है, तो हम जानते नहीं मटेरा के बारे में, तो मैं वहाँ चुनाव कैसे लड़ सकता हूँ। जहाँ हमने 10 साल बराबर मेहनत किया, चुनाव जब 12 में चुनाव जीता था, 5 साल मेहनत किया, बने रहे जनता के बीच में, हारने के बाद भी बहुत कम उम्र से हरा दिया गया, हारने के बाद भी मैं जनता के बीच में बना रहा। जनता ने इतना असीम प्यार दिया है, मोहब्बत दिया है, तो हम 290 में ही चाहते हैं चुनाव लड़ें। जब हम मटेरा से चुनाव लड़ेंगे तो हमारी यहाँ 290 श्रावस्ती की जनता क्या करेगी, वो चाह रही कि यहाँ से चुनाव लड़ें, तो हम वहाँ से मटेरा से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, नई जगह है। और मटेरा से देना था भाई असलम रानी को, वहाँ हमारे यहाँ दिया है 290 श्रावस्ती में, वो उनको तो 290 से लड़ना यहाँ श्रावस्ती से दिनगा से लड़ना चाहिए, 289 से, जहाँ के वो विधायक हैं, क्यों भाग रहे हैं यहाँ से? जब यहाँ से भाग रहे तो वहाँ की जनता उनको वहाँ से भगा देगी। आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? अब आगे की रणनीति जो हमारी जनता कहेगी वो हम करेंगे, जो वोटर्स हैं जो हम कहेगी वो हम करेंगे, लेकिन हमको मटेरा से चुनाव नहीं लड़ना है। थैंक यू।